हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं अपने गार्डन में आ गई हूँ। और कितना यहाँ का माहौल इतना ही ब्यूटीफुल है, क्या ही बताएं। जो यहाँ पर खड़ा होकर के इसकी अनुभूति कर सकता है उसी की समझ में आएगा। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, बहुत ज़्यादा बहुत हाई क्वालिटी के तो नहीं है लेकिन फूलों से गार्डन भरा हुआ है। देखिए, सूरजमुखी के फूल, गुलाब के फूल, मैक्सिमम पिटोनिया, ये आइस प्लांट की मैंने ये पौधे हटाए ही नहीं तो फिर इनमें दोबारा से ग्रोथ आ गई। देख सकते हैं कितना सुंदर कलर है। और तो और ये देखिए बर्बीना, जो कि ठंडक का पौधा है, इसको भी मैंने छुपा करके रखा है कि इसकी कटिंग्स तैयार करूंगी तो देखिए इसमें भी फ्लावरिंग होने लगी। और ये अगले साल के लिए मैंने बचा करके रखा है, बच जाएगा तो बहुत अच्छा, तो इसमें भी फ्लावरिंग आने लगी है। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है अपराजिता का पौधा है। ये पौधा हमें बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। तो इसकी ब्रांचे जो है अब इधर उधर भागने लगी हैं। मैं इसको ऐसे ही एक बोनसाई लुक में रखना चाहती हूँ लेकिन इसकी ब्रांचे अब इधर उधर भागने लगी हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा इनकी टिप को हटा दूँगी ताकि ये इधर उधर जाकर के किसी अन्य पौधे में ना लिपटें और हमारे पौधे का शेप बढ़िया बना रहे। तो ऊपर की ये पतली वाली टिप है, ये देखिए, ये हटाते रहते हैं तभी ये पौधा इस तरह है, बेल नहीं बनने दिया है और बढ़िया अच्छे से चल रहा है। फ्लावरिंग भी होते रहती है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए फ्लावरिंग हो रही है, कलियां भी बन रही है। जो भी फूल आते हैं उनको एंड से निकाल देते हैं ताकि इसमें बीज ना बनने पाए। बीजों के लिए मैंने और जगह जगह पर पौधे लगा रखे हैं, उनमें बनाते हैं लेकिन इसको मैंने एक पौधे का ही शेप दिया। और इसमें मैंने कई सारे पौधे लगाए हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए इसमें मैंने, ये देखिए कई सारे पौधे लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पौधे, 5 पौधों से ये इतना झमड़ा हुआ बना है। और ये रहा हमारा वाइट अपराजिता, इसमें भी मैंने कल बहुत सारी फलियां तोड़ी हैं, 2-4 फलियां मैंने लगी रहने दी हैं कि कोई कोई मांग बैठते हैं कि हमको भी दे दो, तो उनको देने के लिए मैंने ये फलियां कुछ रोक रखी हैं इसमें, इसलिए फ्लावरिंग लग रहा है थोड़ा कम हो गई है। बाकी इस पौधे को भी मैं ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा जो है मधुकामिनी का पौधा, इसको मैंने बीज से ग्रो किया था और बहुत ही हेल्दी प्लांट है, 1 साल का ये हो गया है, अभी इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। कई बार मैंने इसकी टिप को कट कर दिया है तो ये देखिए ऐसा बिल्कुल घना बन गया है और ज़्यादा बड़ा इसको बनाना नहीं है। अब देखते हैं, इसमें अभी फ्लावरिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, 2 साल लग जाते हैं मधुकामिनी के पौधे में फूल आने में, 2 साल लग जाते हैं। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मेरे इस गार्डन का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ आकर के। आप लोग भी इस तरह की गार्डनिंग करें तो बहुत ही खुश रहेंगे। खुश रहने के लिए गार्डनिंग करते रहें तो आधे से ज़्यादा तो बीमारियाँ भग जाती। देखिए ये हमारा चांदनी का पौधा है, सिंगल वाला, सिंगल पैटर्न की चांदनी है, इसके कम से कम 1500 फूल तो आते ही होंगे। ये देख सकते हैं आप लोग पूरा पौधा, मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं इसको दिखा ही नहीं सकती हूँ। और पूरे पौधे में कलियाँ फूल सब भरे हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। 2 तरह के हैं हमारे। और वो देखिए यहाँ से तो बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है हमारे पिंक कनेर का, क्या ही बताएं, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह नेचर के करीब रहने से नेचर में भी बहुत सारा बदलाव आ जाता है, गुस्सा तो शरीर में रह ही नहीं जाता है, बहुत ही परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों हमारा ये गार्डन जो है फूलों से भरा हुआ है लेकिन फलों से नहीं भरा हुआ है। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जब मैंने लॉकडाउन में गमले मंगाए थे तो कई सारे गमले मंगाए थे, तो उसी गमले में दब करके ये गमला टूट गया था। काफ़ी दिनों तक ये बेचारा इधर उधर पड़ा रहा। जब मुझे ज्ञान हुआ कि इससे भी कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है तो मैंने छोटी छोटी कटिंग्स निकाल करके इसमें लगा दी थी। देखिए आज इसका कितना सुंदर रूप हो गया है, आप लोग देख सकते हैं कि इसका
इतना सुंदर, और इसमें कम से कम 5-6 क्वालिटी के पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये डेविल्स बैकबोन है, पर्पल हार्ट है, वांडरिंग जू है, रियो है, इतने सारे पौधे मैंने इसमें लगा रखे हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो इसी तरह मैं एक कटिंग से 2 कटिंग 3 कटिंग इसी तरह लगाते रहती हूँ। हमारे पास एक एक पौधे के 4-4 पौधे मिलेंगे, एक एक क्वालिटी के 4-4 पौधे मिलेंगे। तो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पौधा हो गया तो मैं उसे मरने नहीं देती हूँ, कहीं ना कहीं लगा देती हूँ। कि एक से भले दो वाली कहावत है ना, एक से भले दो, एक है, एक गड़बड़ हुआ तो दूसरा तो रहेगा हमारे पास। मॉर्निंग ग्लोरी तो हमारे पास बहुत ही है। पिछले साल 2 पौधे हमने जीवित कर रखे थे, तो उन 2 पौधों से तो बहुत सारे पौधे हो गए। ये देखिए, मैं एक जेट प्लांट लेकर के आई थी, एक जेट प्लांट से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए, लेकिन जेट प्लांट में भी मिली बग लग गए थे, तो इसमें भी मैंने दवा डाली है और इसको इधर उधर छुपाते ही रहते हैं। अभी बहुत सारे ये हो गए, तो इसकी टोपियारी बनाने के लिए रखा था कि देखते हैं कैसे क्या होगा। इसकी मेन टिप को काटते रहिए, एक से तमाम ब्रांचें आती रहेंगी और पौधा हमारा जो है घना होता रहेगा। तो अभी तो मैंने इसकी कटिंग ही लगाई है, कई जगह लगा रखी है, धीरे धीरे ग्रो होगा। अब सारे पौधे बारिश का पानी मांग रहे हैं, तो सभी पौधों को बरसात के पानी की आवश्यकता है। मैं इधर उधर देखते रही वीडियो में, कभी कोई कहता है हमारे इधर बारिश हुई, हमारे इधर बारिश हुई, हमारे इधर तो अभी बारिश ही नहीं हुई। तो हम लोग जो है बारिश के वेट में है कि एक बार बारिश हो जाए तो हमारे पौधे अच्छे से नहा धो करके बिल्कुल रेडी हो जाए। दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर लगता है ये सब नज़ारा, जिसको देखना है, जो बिल्कुल नज़दीक से देखते होंगे उनको कितना सुंदर लगता होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए एक ब्रांच पर कितनी सारी मॉर्निंग ग्लोरी। आइए चलते हमारे गेट के पास, मॉर्निंग ग्लोरी का पौधा है तो उसको दिखाते हैं। और ये देखिए ये गुलाब, गुड़हल किसी गुलाब से कम नहीं। चलिए आइए हमारे गेट के पास चलते हैं। ये देखिए हमारी मॉर्निंग ग्लोरी खिल करके बुझ गई है। ये देखिए कितने सारे फ्लावर हैं इसमें, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि एक ब्रांच में कितने फूल हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमारे फूलों का आप लोग इंजॉय करिए, वीडियो को देखिए, लाइक करिए और हमारे गार्डन के फूलों को इंजॉय करिए, और कमेंट में बताइए कि हमारा बगीचा आप लोगों को कैसा लगा। हमारा है, हमको तो अच्छा ही लगता है, आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें। अब न बचा